हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई हो आप सब अच्छे हो। भोलेनाथ जी आप सभी पर कृपा बनाए रखे। और मेरा काफ़ी टाइम बाद एक पार्सल आया जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग डला था, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आया। तो वही हर्षु करेगी, तो हम करेंगे अनबॉक्सिंग ओपनिंग। और ये देखिए सिस्टर, ये भैया बैठी हुई है। चलो खोलो हर्षु, देखिए उसको भूख लग रही, वो अपनी जुगाड़ पे चली गई कुछ खाने के। चलो हर रुचि कड़ी चावल रखे, ठीक है? चलो खोलो, निकालो निकालो। ये रहा सूट, हाँ देखिए, देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। सूट मतलब डिजाइन वगैरह भी ऐसे ही लग रहा है, बस चुन्नी थोड़ी पेंट भी, कपड़ा भी अच्छा है बहन, इसका कपड़ा भी अच्छा है। चुन्नी तो बहुत वैसी है, छोटी रह अच्छी है, अच्छा निकला। लेकिन पता हर सूट रहने दो, ऐसे मत दिखाओ सूट, दिखाओ ये देखिए सूट, सच में अच्छा है, बहुत मस्त निकला। नहीं लग रहा भारती, सच बोल रहा। दुपट्टा दिखाओ बिट्टू, चुन्नी दिखाओ इसकी, सीधा करो इस साइड से दिखाओ। देखिए इसकी चुन्नी, बस इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, बट ठीक है, इतनी भी कम नहीं है। मेरे लिए हो जाएगी भाई। तो सच में अगर आप लोग भी लेना चाहे ले सकते, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। हर्षु क्यूटी गर्ल लग रही, कांता भाई कहते, काम भाई नहीं, कांता भाई थोड़ा कैसे करते, कांता भाई। बस ठीक, कुर्ती तो दिख रही नहीं। और ये रही कुर्ती इसका, ये देख सकते हैं आप, इसमें इस तरीके का बॉर्डर दिया हुआ है डिजाइन, और ये प्रिंटेड बोलते ना इसको, प्रिंट है इसमें गले पे भी, क्या गले पे भी ढीला होगा अभी। अभी ना काफी ढीला है क्योंकि फिटिंग करनी होगी मुझे थोड़ी। अब आज मेरे को चाहिए इसकी चुन्नी, कुर्ता और पैंट दिया हुआ है, और अगर आप लोगों को भी लेना बहुत मस्त निकला सकती है। तो अभी देख सकते हैं आप, 3:30 बज गए, और ना मैं आज 12-1 बजे से बैठी हुई हूँ सिलाई करने को। मैं कुर्ती लेके आई थी, यानी कपड़ा, तो वही कपड़ा सिल रही हूँ, क्या बोल रही। और देख सकते हैं आप, सब कटा पटा डला हुआ है ऐसे, ये देखिए। और ये कुर्ता भी बना लिया, दिखाऊंगी जब सिल जाएगा। और तो बस अभी मैं पेंट बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ। और ये हर्षु देगी, बस उसका क्या काम है। बस उसका काम है झूला झूला झूला। आज ना मैं बैठी हुई हूँ 2 घंटे से, और बस मैं सोच रही कि पेंट को, क्योंकि अस्तर वाला था ना तो डबल टाइम लग रहा, तो इसको जॉइंट कर लिया मैंने, देख सकते अस्तर को और कपड़े को, तो बस जॉइंट कर लूँ और देखती हूँ कि सिलती हूँ कि नहीं। कुर्ता तो सिल गया और पेंट पूरा कंप्लीट होता है आज की नहीं, बट कोई नहीं, तो बस मैं अभी थोड़ा सिल लूँगी। ये है कि खुद सिल लेते हैं अपना, और अगर कोई नहीं अच्छा सिलवाना होता, जैसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता समझ में, तो सिलवा लेती हूँ। वैसे मैं अधिकतर अपने खुद ही सिलती हूँ, ये पहने हुई हूँ तो इसको भी मैंने ही सिलाता है, इसका देख सकते हैं आप। तुम्हें में कौन सी बुराई है और कौन सी शर्म, करना चाहिए अगर आता है तो, मैं भी कर लेती हूँ। और जो कोई अच्छा रहता है डिजाइन, नहीं आता समझ में, तो सिलवा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिलवाती भी नहीं हूँ, कभी कभार ही सिलवाती हूँ। वैसे मैं खुद ही सिलती हूँ अपने ब्लाउज हो या फिर सूट, तो बस अभी मैं सिल रही थी, वो काफ़ी टाइम से बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट ही कर लूँ। और
तो बस। और सुबह मैं कहीं गई थी तो कपड़े चेंज किए थे मैंने, और मेरा एक पार्सल भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था तो वो भी आ गया। और यहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ, मैं काफ़ी सूट लेके आई थी एक दो, तो उनको भी सिलना था तो बस वही सिल रही थी। और सिल जाएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और बस अभी भी देख सकते मैं सिलाई कर रही थी और हर्षिता झूला झूल रही थी। तो बस इसके बाद फिर काम भी करना होता, सुबह भी काम करते करते 12 बज जाते हैं 12 1 बज जाते हैं, हर्षू को लेने भी जाना होता है और सुबह का काम भी होते इतने सारे, तो 1-2 घंटे का तो फिर में ही टाइम मिलता है तो मैं सिल लेती हूँ। और अभी ना सिलने को बहुत कपड़े रखे हुए हैं तो धीरे धीरे करके सिल लूँगी, तो बस जल्दी से सिल लूँगी मैं। और ये ना नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, अभी मॉर्निंग के बजे होंगे 6:30, क्योंकि हर्षू के स्कूल ना अभी 7:30 के हो गए तो मैं अपने साथ ही उठा के आ जाती हूँ उसे 6 बजे से 6 बजे उठा लेके आ जाती हूँ कि चलो आप भी, फिर वो जब तक थोड़ा बैठती है और उसके बाद फिर मैं उसको नहाती हूँ, लंच के लिए बनाती हूँ उसके लिए। और यहाँ पर उसको नहवा दिया था मैंने तो तैयार कर रही थी, लंच वगैरह सब पैक कर दिया और इसको भी तैयार कर दूंगी, तो बस वही बैठी हुई थी और बोल रही मम्मी टाइम ना हो जाए, क्योंकि बहुत डरती है कि मम्मा टाइम हो जाएगा तो मैम हमें डांट। 7 बजे के स्कूल हैं तो उससे 10-15 मिनट पहले ही जाना होता है, क्योंकि बाइक से 10 मिनट लगते हैं और पैदल जाओ तो बहुत टाइम लग जाता है, पर बाइक से ही जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कभी कभी ट्रैफिक हो जाता है तो टाइम हो जाता है। तो बस मैं हर्षिता को रेडी कर दूँगी, और मुझे हर्षिता को जूती भी लानी थी, क्योंकि जब कोरोना लगा हुआ था पहले 2 साल होने को जा रहे तब ली थी, काफ़ी बड़ी थी और अब छोटी पड़ने लगी तो बोल रही थी मम्मा मेरा पैर फंसते, तो मैंने बोला जब जुलाई में स्कूल खुलेंगे तो आपको दिला देंगे, अभी थोड़ा टाइम और है 10-15 दिन का। तैयार हो गई तो। हो गई ना तैयार, आग तो नहीं छोड़ा कुछ चलते हैं। सोच रही कि आज लेके आऊँ, पर हर्षिता को जब लेने जाती हूँ ना तो इतनी भीड़ हो जाती, धूप हो जाती तो बस जल्दी आ जाती। तो अभी देखिए हस्बैंड लेके आए सब्जियाँ, तो बस मैं इसको धुल के रख दूँगी, और आज मुझे गेहूँ भी धुलना है तो गेहूँ धुलूँगी मैं, तो बस जल्दी से इनको साफ करके रख दूँ धुल कर, तो बस मैं सब्जी धुल दूँगी। और यहाँ पर करेले थे, मिर्ची थी, टमाटर थे, बंद गोभी भी थी और शिमला मिर्च थी, सब्जियाँ, तो मैं इनको साफ करके रख दूंगी। सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि किसी को भी टाइम नहीं रहता, मतलब अगर कोई सोचे ना कि बैठ जाओ तो बैठने की फुर्सत भी नहीं रहती, मुझे नहीं सभी को नहीं रहती, तो बस सब्जियां मेरी धुल गई। छोड़ के आ गई थी और अभी 9 बज चुके होंगे, 9 या 10 बजने वाले हैं, टाइम नहीं देखा, तो उसको लेने भी जाना होगा तो मैं बाद में लेने जाऊंगी, 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, तो अभी फिलहाल बना रही हूँ मैं खाना। तो आज ना मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी, तो ये मैंने कट कर भी देख सकते हैं आप, तो जैसे नॉर्मल तरीके से बनाती हैं वैसे ही बना रही हूँ, कुछ स्पेशल तो है नहीं, तो बस देख सकते हैं अभी मैंने ऑयल डाल दिया और प्याज कटा हुआ डाल दिया, इसके बाद मैं टमाटर डाल दूंगी, मसाले डाल दूंगी, और मुझे ना सूखी बनानी तो बस मैं बना रही हूँ, टाइम का ना पता भी नहीं चलेगा कब टाइम निकल गया, तो मैंने नहा धो के पूजा वगैरह भी कर ली, तो बस बनाते हैं खाना। गई तो मैंने इसमें ना पिसा हुआ धनिया डाल दिया और मिर्ची भी डाल दूंगी जैसा तीखा आप खाते हैं, और हल्दी भी डाल दी, नमक भी डाल दूंगी स्वादानुसार, और इसको थोड़ा भुनने दूंगी, इसको थोड़ा भुनने दूंगी, उसके बाद में पत्ता गोभी डालूंगी जो कटे हुए हैं, तो मसाला पक गया और इसमें डाल दूंगी।
इसको ना मैं मिक्स कर दूंगी, इसको थोड़ा ऐसे पकने दूंगी। तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी तल सकती हैं तेल में, और अगर आप चाहें तो पानी भी डाल सकती हैं। तो मैं इसमें पानी डाल दूंगी कि जल्दी से बन जाए, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना कि आपकी सब्ज़ी पक जाए। और मैं टमाटर ना बाद में डालूंगी, क्योंकि अगर हम टमाटर पहले डालते हैं ना तो टाइम में पकती है, तो मैं बाद में डालूंगी जब सब्ज़ी पक जाएगी थोड़ा आलू, तो फिर उसके बाद मैं डालूंगी। तो देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा और डाल दूंगी, और मैं इसको ना ढक के रख दूंगी और बीच बीच में देखती रहूंगी, और फिर इसके बाद मैं टमाटर डालूंगी। ढक के रख दे रही और सब्जी बन गई। तो बस मैं इसमें पिसा गरम मसाला डाल दूंगी और बस इसको निकाल के रख दूंगी।